इंडिया न्यूज चैनल आज समाज अखबार से मैं सुनील शर्मा, हमारे साथ है मैडम चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी नीलांबरी जगदले जी। ये हमने रोज़ देखा कहीं राशन बांट दे, कभी कहीं पे ये अपना खाना बांट दे, कहीं और सामान बांट दे, आज ये महिलाओं के लिए कुछ ऐसा सामान बांट रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। मैडम ये जो आप आज बांट रहे हैं ये यहाँ पे कॉलोनी में सेक्टर, ये हमारी पिछले 5 दिनों से चल रही है मुहिम, क्योंकि देखा गया है कि राशन और खाने का सामान जो है, मास्क सैनिटाइजर तो बहुत लोगों की तरफ से बांटे जा रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया और ये महिलाओं की बहुत बेसिक ज़रूरत है। जब भी पैसे की किल्लत होती है, जब भी किसी चीज़ों की किल्लत होती है, तो सबसे पहले जो कट लगता है वो महिलाओं की आवश्यकताएँ जो होती है उनके ऊपर लगता है। तो इसीलिए हम ये यहाँ पे संदेश देना चाहते हैं कि अपनी हाइजीन और सैनिटेशन जो है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना ज़रूरी है। तो इसीलिए कॉलोनी एरिया में खास तौर पे गरीब महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आप रुको, आप रुक जाओ, इनको लेने दो। अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेष ये भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि महिलाओं को आमतौर पर सैनिटरी पैड लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उनकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और कहा जा सकता है कि हर एक उस जरूरत आराम से आराम परेशानी को समझा जा रहा है कि छोटी से छोटी सी बात के लिए भी आम लोग हैं इस समय के बीच परेशान ना हो, दुखी ना हो। मैम देखा जाए छोटी से छोटी जरूरत का भी ध्यान रखा जा रहा है, कोशिश क्या देखती हैं आपकी? लॉकडाउन 16 बीस में आगे उसको डिवाइड किया गया है और हर एक बीट में जो है इस तरीके से या तो लंगर सेवा पहुंचाई जा रही है या फिर दो लोग यहां पर अगर नहीं पहुंच सकते, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो डोर टू डोर डिलीवरी हमारे बीट पुलिस स्टाफ की जा रही है और मैं बहुत बहुत प्राउड फील